पता ही नहीं चलता, तो उसमें और नींद में फर्क क्या होता है? सही बात कहा आपने। ये किसी ने प्रश्न पहले भी पूछ चुके हैं। जैसे हम ऐसे ध्यान करते करते जब जाते हैं, मैं दूसरी की बात तो नहीं जानता हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ। कुंडलिनी जागरण के बाद जब से ध्यान में बैठा तो 2.5 घंटा इस पोस्चर में बैठा, उसके बाद धीरे से लेट गया इस पोस्चर में, और राइट नोस्ट्रिल पे मेरे ध्यान आ गया। उस पर ध्यान ऑटोमेटिक जाते जाते सांस एकदम पतली सी हो गई, एकदम पतली सी हो गई, पतली सी हो गई। तो एक क्षण के लिए लगा अब मैं गया, मेरी मृत्यु हो गई, अब खत्म। तो सामने बच्चा था, तो इतना तक मुझे याद है कि कहीं इसको पकड़ लूँ कि बच जाऊँ। एक क्षण ऐसा आ गया, मतलब जैसे मृत्यु किसी को होती है ना, इस तरीके से। फिर मैं उसे क्या नहीं छोड़ दिया। उसके बाद लगा खत्म। अब उसके बाद मेरी सांस भी रुक गई, क्या हुई, करीबन 25 मिनट तक पता नहीं चला। लेकिन जब हम वापस आने के बाद, जब फिर ये इंद्रिया भी तो अनुभूति करेगी ना, तो वापस आने के बाद एक तरोताजा महसूस लग रहा है, मुक्त हो गया, तरोताजा खुला एकदम, जिससे लग रहा है कि मेरे ढेर सारी सब चीज़ें क्लियर हो गई, मतलब 99% चीज़ें क्लियर हो गई, सब कुछ। मैं तुरंत बिस्तर से उठ के बैठ के जाके नहाना धोना स्टार्ट किया। अपने आप कुछ मंत्र चल रहे हैं, ये सब ओम इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। मैं चुपचाप हूँ। और लेकिन आप नींद से सुबह उठ के देखिए, उठाना उठेंगे ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे। नींद से उठने के बाद होश में आने के लिए बहुत समय लगता है, धीरे धीरे, क्योंकि उस वक्त बॉडी बहुत लेथार्जिक रहता है। हमें पता चलता है कि हमने नींद से आया है, लेकिन है दोनों एक ही जैसा ही स्टेट, क्योंकि गहरी नींद भी आनंद के ही अवस्था है। इसमें भी चिंतन मनन समय कोई भी चीज़ों का बोध नहीं है, उसमें भी इस तरीका का बोध नहीं है। लेकिन निर्विकल्प समाधि लग जाए जिसको, क्योंकि नींद तो स्वाभाविक लग रही है और हम उस अवस्था में नेचुरली जा रहे हैं, लेकिन वो प्रकृति के एक अलग ही व्यवस्था के अनुसार जा रहे हैं। लेकिन ये आपने तपस्या साधना तप के बल पे आपने जब गए और कभी किसी को निर्विकल्प समाधि लगी, इसका मतलब है कि उसकी पूरे सिस्टम जागृत हो जाएंगे, उसके कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, उसकी सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिव हो जाएंगे, उसको अनाहत नाद सुनाई देने लग जाएगा और उसका ध्यान यहीं पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा और महाशून्यता को प्राप्त कर लीजिएगा। वो शून्य हो जाएगा, पूरा सर्वव्यापक हो जाएगा। लेकिन नींद से उठने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं होता है। निर्विकल्प समाधि आने के बाद अब वो रहा नहीं, अब वो खत्म हो जाता है। मेजर डिफरेंस यही है। लेकिन अवस्थाएं दोनों एक ही जैसा होता है, लेकिन ये हम होश में धीरे से ध्यान करते करते अचानक से कब चले जाते हैं, तो ध्यान में रखना है। कभी कभार 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए भी कोई चले जाते हैं, तो ट्रेलर चल रही है, कभी कभी आप घंटों भर बैठ जाएंगे, झटके से इस तरीके से हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो कभी कभी अचानक वो दिन आएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान करते करते वो आँखें देखूंगा तो मुझे बहुत लोगों को पता भी चल जाता है। कुंडलिनी जागरण के पहले आँखें स्थिर हो जाएगी, इस तरीके ठहर जाता है, आँखें भी शून्य में हो जाता है। तो सोचो अब ये जाने वाला है अंदर, क्योंकि आप उसकी आँखें भी रुक गया है। कौन कितना बड़ा ध्यानी है उसकी आँखें दिखने से पता चलता है, उनकी चंचलता आँखें में दिख जाती है। जिसका आँख की पुतली और सब कुछ ठहर गया है, स्टिफ हो गया है और शून्य में ठहर गया है, बिल्कुल। और कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद कई लोगों को जागृत हुई है और कई लोगों को आगे चलकर जागृत होती रहेगी। वो आंतरिक फ्लो हमेशा जब तक शरीर रहेगा तब तक चलते रहेगा, वो बंद नहीं होगा। ऐसे ऐसे आंतरिक फ्लो रहेगा, हिलते रहेंगे। बिस्तर पर कभी कभी लेटेंगे, नए नए लोगों का जैसे ऐसा होता था मेरे पति के भी साथ, ऐसे भी और कई साधकों के साथ, जैसे बेड पे लेटते हैं, भूमिकंप आ गया क्या, भूमिकंप आ गया क्या, उठ के बैठ जाते थे, लेकिन भूमिकंप तो आया नहीं है कहीं पर। ऐसे मतलब हिल रहे हैं ना, बॉडी अंदर हिल रहे हैं, जो शक्ति जागृत हुई है वो तो प्रभावित हो रही है। ऐसा लग रहा है कि भूमिकंप आ गया, अर्थक्वेक नहीं हुआ है, बेड हिल रहा है, बेड भी नहीं हो रहा है। या कुछ ट्रेन में जर्नी करते हैं, सोए हैं तो ऐसे ऐसे हिम्मत, लेकिन कुछ है नहीं, वो अंदर ऐसे चलते रहते हैं। खड़े रहेंगे तो भी अंदर से ऐसे कुछ चलते रहता है। ध्यान में कभी ऐसे रहेंगे तो भी इस तरीके से चलते रहता है, हिलते रहता है पूरा। एक तो कोई मंत्र जाप करते करते उनकी आदत बन जाती है, इस तरीके से हिलते हैं। वो वाला हिलना नहीं कह रहा नहीं, हिलने के लिए तो बहुत सारे लोग हिलते रहते हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ सुषुम्ना नाड़ी से फ्लो होती है, उसके फ्लो जो इनमें से कई लोगों को बात पता चल जाएगी आगे, जिनके साथ आज घटित हुई है और कई लोगों को पहले से घटित हुई है, उनको पता चलेगा। और फ्लो होकर यहाँ पे घूमती है, मेरे यहाँ पे घूम रही थी 2-3 दिन तक। पहले दिन तो ऐसे ही, पहले दिन ही मुझे ज़्यादा होती है, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो मैं कुंडलिनी जाने में बात तो थोड़ा सा डर सा भी लगा था, कोई गुरु नहीं है पास, कोई संभालने वाला नहीं, ये क्या हो रहा है, क्या घूम रहा है, हो क्या गया, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं क्या हो रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे घूमती क्योंकि वो तो ऊपर थी, अब नीचे आके यहाँ घूम रही है। लेकिन धीरे 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 यहाँ का केंद्र मिला तो यहाँ एक सेंसेशन, यहाँ केंद्र एंटेना के जैसे यहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे बड़ा आनंद, यहीं पे ज़्यादा रहा करता था। और इसके बाद कई महीना और सालों भर तक नेगेटिव इवेंट्स भी बड़े स्पीड से स्टार्ट हो गए, फ्लो में आ गए जिंदगी में। सबके साथ नहीं होता है, किसी किसी के साथ कि जो प्रारब्ध है वो भी बड़े फास्ट कंज्यूम होते हैं, तो वो भी चीज़ें चलती हैं। कभी कभी तो कुंडलिनी जागरण के बाद बहुत सारे लोगों का अहंकार भी हो जाता है, तो मेरा कुंडलिनी जागरण हुआ है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें संभल के बात करना चाहिए। और फिर उसको कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल होता नहीं, तो फिर डाउट करने लगते हैं, गुरुजी भी क्या मेरा जागृत है तो ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही बोल दिए क्या, या कुछ नहीं है मेरे अंदर। मैं नमस्कार करके कहता हूँ, वास्तव में आपके अंदर ऐसा पर्सनल कोई पावर, कोई शक्ति नहीं है। अपने आप को समर्पण कर देना प्रकृति का, और जो भी आपके प्रारब्ध है। और कुंडलिनी शक्ति आपको कभी पेनफुल एक्सपीरियंस से लेके जाएगी और कभी प्लेजरफुल एक्सपीरियंस से लेके जाएगी। कभी बड़ा आनंदित हो जाएगा जीवन, कभी सब कुछ उथल पुथल, ऐसे लग रहा है सब बेकार है, कुछ नहीं, और होना भी चाहिए, लगना भी चाहिए। कुंडलिनी जागरण के बाद वैराग्य आ जाता है पूरा। वैराग्य का मतलब प्रकृति में कुछ रस नहीं मिलेगा। मोबाइल पे भी देखोगे तो उसी टाइप के वीडियोस देख रहे हो, लोगों से भी मिलोगे तो उसी टाइप के लोगों से मिल रहे हो, मंदिरों और स्थानों पे आप जा रहे हैं, वैसे ही शास्त्र कुछ पढ़ रहे हैं, वैराग्य आ जाता है। तो जागरण के बाद कभी कभी बॉडी में बहुत डिसबैलेंस आ जाता है, बहुत डिसबैलेंस, मतलब शरीर हिलने भी लगता है, शरीर भारी भारी हो जाता है, सर हैवी हो जाता है, ये हैवी हो जाता है, हैवी लगता है, लगता है क्या हो रहा है, पहले ही ठीक था, ये क्या हो गया, पहले कुछ एक जोश जुनून टाइप का कुछ कर रहा था, अभी ये क्या हो गया, सब कुछ मुरझाया हुआ लग रहा है, इस टाइप से लगता है। और एनर्जी, कभी शरीर में बहुत ताकत आ जाएगा, बहुत बड़े हो जाओगे, एक संकल्प लोगे तो आप ब्रह्मांड से भी बड़े हो जाओगे, आपका सूक्ष्म शरीर। और कभी क्या होगा, इतने छोटे, इतने निसहाय, जिस शरीर में जान ही नहीं रहा, जहाँ बैठ रहे हो वहीं बैठ रहे हो, किसी ने आकर कहेगा उठो और ये कुछ करो, तो भी आपको अंदर में एक एंग्जाइटी क्रिएट होगी, ये क्यों उठने के लिए कह दिया मुझे, आराम से बैठा था, शरीर में ताकत नहीं है, कोई समझता नहीं है मुझे। ये सिलसिला जारी रहती है वर्षों तक, महीनों तक, जो तेज साधक होते हैं उनका एक साल में बहुत क्लियर हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर आके इसीलिए इन एडवांस सब मैं कह देता हूँ कि जागरण के बाद जैसे पूर्णिमा आए उसके आसपास तो अपने हाथों में भी ध्यान करना है, पूरे हाथों में ध्यान करना है यहाँ पे, क्योंकि ये चक्र ना खोलेंगे। बहुत सारे चक्रज है जैसे कि योगिक सिस्टम में 140 चक्रस कहा गया है, तो ये तो 7 मेजर चक्रस के एक्सपीरियंस में 5वें चक्र तक ही मैक्सिमम लोगों को हुआ। सहस्रार का तो मान लो धीरे से होता है या कभी कभार किसी का वहाँ पे चले गए, बाकी और भी तो सिस्टम में है ना, वो सब तो छोटे छोटे सारे चक्र जैसे यहाँ 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 सब कुछ जागृत होना चाहिए, सिस्टम्स खुलनी चाहिए। तो आप देखेंगे बाद में एकदम हल्का महसूस करेंगे, सब कुछ एक परफेक्ट सिंक्रोनाइज स्टेट में आ जाएगा। बिल्कुल मेरे साथ 27 दिन तक एक दिन अलग अलग तरीके से गुजरे थे। ऐसे तो कई अलग अलग चीज़ें हुई थी, सब नहीं कहेंगे छोड़िए, वो कई वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन 27 दिन तक मुझे ऐसा लग रहा था कि कब ठीक होगा, इतनी एनर्जी हाई और शरीर कमज़ोर। तो जब यहाँ ध्यान किया ये चक्र जैसे ही खुला तो तुरंत एक सब कुछ सिस्टम एक परफेक्ट स्टेट में आ गया, बैलेंस हो गया। तो इसलिए प्रकृति ने ये सारी चीज़ें करवाई, ये पढ़ी हुई किताबी बातें नहीं है। मेरे घर पे जाएंगे तो ऐसे कुछ शास्त्र वास्त्र नहीं मिलेंगे, बाद में 2-4 खरीद के देखा एक्चुअली है क्या, वो तो बाद में धीरे धीरे पता चला कि अच्छा ये तो बहुत पहले से साधना तपस्या जारी था। इस तरीके से प्रकृति करवाई तो सब बैलेंसिंग में आया। उसके बाद हमारे सानिध्य में जो भी आए उनको पहले ही बता देते हैं, और जैसे ही हम अपने भी इधर से जो भी संकल्प शक्ति से या आशीर्वाद से या व्हाटएवर इज हैपनिंग, वो तुरंत यहाँ से आपको बहुत बैलेंसिंग करके भेजते हैं। यूँ ही कई दिनों में आप एकदम नेचुरल स्टेट में आ जाते हैं धीरे से। नहीं तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इसके बाद, उनको समझ में नहीं आता हुआ क्या अचानक से मेरे साथ, क्योंकि डॉक्टर्स के पास में जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं तो सारे सिस्टम को चेक करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, दिमागों का भी चेक करते हैं, बोलते हैं कुछ बीमारी है नहीं। आइए कहते हैं कि बीमारी तो मेरा है ये, वो कहते हैं कि है ही नहीं। तो लास्ट में वो डिप्रेशन के टेबलेट खिलाते हैं, वर्षों वर्षों तक डिप्रेशन के टेबलेट खिलाते हैं। कितने हमारे पास ऐसे साधक आए, अभी भी है। उसके लिए भी हम आगे वैसे साधकों के लिए हम आगे कुछ क्रियाएं करेंगे, काम करेंगे। एक पार्टिकुलर हमें एक स्थान चाहिए उनके साथ डील करने के लिए, क्योंकि वो तुरंत ठीक नहीं होंगे, उनके लिए मुझे क्रियाएं करने के लिए समय चाहिए, मतलब थोड़ी से वो निकल जाएंगे। क्योंकि सही ज्ञान होना भी जरूरी है, क्योंकि सही ज्ञान रहेगा तभी इन चीज़ों को समझ पाएंगे, तभी सब कुछ बैलेंस में आएगा।